महाराष्ट्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के नए नियम लागू हुए हैं, जो दुकानदारों के लिए सुबह 7 से दोपहर 11 बजे तक के नियम लागू हो चुके हैं। आज इसकी तस्वीर फैजपुर शहर में दिखने को मिल रही है। आज यहां पर रिक्शा में फिरने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन की ओर से दंड दिया जा रहा है और इनकी कोरोना चेकअप किया जा रहा है। आज सुभाष चौक में पुलिस अधिकारी एसपी पिंगड़े साहब, पुलिस अधिकारी प्रकाश वानखेड़े साहब, पुलिस उप निरीक्षक ढोमरे साहब, मुख्य अधिकारी किशोर चौहान, इंजीनियर फारूकी साहब, नगरपालिका वसूली अधिकारी, पुलिस कर्मचारी और नगरपालिका पुलिस कर्मचारी हर आने जाने वालों का हो रहा है कोरोना चेकअप। नगरपालिका के आरोग्य अधिकारी डॉक्टर समीर कर रहे हैं। इस वक्त फैजपुर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अनवर खाटिक और कांग्रेस के शेख रियाज भी है, जो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बिना काम के घर से ना निकले, रिक्शा में ना फिरे। बिना मास्क पहनने वालों को दिया जा रहा है दंड और रिक्शा में फिरने वालों का हो रहा है कोरोना चेकअप। महाराष्ट्र शासन बार बार कह रहा है कि जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलो। शासन के हम लोगों से अपील करते हैं कि शासन के दिए हुए नियमों का पालन करें। शासन जो भी कर रही है अपने जनता के हित के लिए कर रही है। पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन आपके हित के लिए ही काम कर रहा है, इसलिए बिना काम के आप घर से ना निकले, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ये आपसे हम जनता की बात गुजारिश करता है।